नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। टोटल पदों की संख्या 583 है, तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो फिर देर कैसी, चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट से संबंधित एक पहला वाला लिंक दिया गया है जो कि 10 अक्टूबर को जारी किया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आपको पहुंच जाना है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 3 से संबंधित लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे NTA भी कहते हैं, इस परीक्षा का आयोजन करेगी दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों के रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ डिटेल्ड जो ब्रोशर है इन पदों से संबंधित वो जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन जो करने की अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो यहाँ लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 25 अक्टूबर। फीस जो पेमेंट करनी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों के लिए अनरिजर्व और OBC वर्ग के लिए ₹950, EWS ₹850, SC/ST ऑफ UP ₹750। तो फीस केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करनी होगी, ऑफलाइन मोड में नहीं करनी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 26 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच में। इन पदों से संबंधित जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड की सूचना बाद में आपको ईमेल और मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ दो स्टेज में सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्टेज 1 OMR आधारित रिटन एग्जामिनेशन होगा और स्टेज 2 जो होगा यहाँ कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा। आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा, ऑफलाइन मोड में आवेदन नहीं भेजने हैं, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन केवल एक ही पद के लिए आपको आवेदन करना है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने हैं, अन्यथा आपके सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो टोटल पद हैं आप देखेंगे 583 टोटल पद हैं, जिसमें से हिंदी के 517 हैं और इंग्लिश के 66 पद हैं। वेतनमान 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर के इन पदों के लिए भरा जाएगा। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही डिप्लोमा होना या सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, साथ ही टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपको याद रखना है आपकी जो टाइपिंग स्पीड का टेस्ट है वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी को अच्छे से कर लें और कंप्यूटर पर अपनी प्रैक्टिस को पूरा करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ हमने आपको बता ही दी है। आवेदकों के पास CCE यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट NIELIT या DOEIC से आवेदक ने प्राप्त किया हो, साथ ही 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक की सेवा की है और जिनके पास A या B NCC सर्टिफिकेट है। एज लिमिट यहाँ पर कम से कम 18 साल होगी और अधिकतम 40 साल है।
यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही ये तिथियां शामिल होंगी। एज रिलैक्सेशन 5 साल तक का एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल तक का दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो यहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी, स्पोर्ट पर्सन कैंडिडेट को दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट होगी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को 15 साल तक की छूट दी जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, करेक्टर का भी आवेदक का करेक्टर सही होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस आवेदक के एक से अधिक जीवित महिला वाइफ नहीं होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस आवेदक जो है मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए इन पदों के लिए। सिलेबस जो होगा यहाँ पर आपको एक बताए देते हैं, जो एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज का वो ओएमआर आधारित ऑफलाइन मोड में होगा। मल्टीपल चॉइस सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100। 90 मिनट का समय दिया जाएगा यहाँ पर। हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, जनरल स्टडीज़ के 25 और मैथमेटिक्स के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मिनट में। स्टेज टू का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पर। हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आवेदक की होनी चाहिए। यहाँ कम से कम टाइपिंग स्पीड में पास होने के लिए 25 में से 10 अंक लाना आवेदकों को अति आवश्यक होगा या जरूरी होगा। स्टेज टू का जो पार्ट बी होगा इसमें हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट जबकि इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आवेदक की होनी चाहिए। इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि फर्स्ट स्टेज पर होगी। और स्टेज टू को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट स्टेज टू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और 5 गुना कैंडिडेट को स्टेज टू के लिए भेजा जाएगा। स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में वहाँ प्रश्न मिलेंगे। स्टेज टू का पार्ट ए और पार्ट बी जो हैं वो सेम डे एक ही दिन में कंडक्ट किए जाएंगे। सेलेक्शन प्रोसेस जैसा कि बता चुके हैं, रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज में। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर 100 अंकों के 90 मिनट में। जो कैंडिडेट स्टेज वन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टेज टू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज टू के पार्ट ए के अंतर्गत कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश की ली जाएगी। इसके अंतर्गत हिंदी में 250 वर्ड दिए जाएंगे 10 मिनट में टाइप करने के लिए और इंग्लिश में 300 वर्ड दिए जाएंगे 10 मिनट में टाइप करने के लिए। हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा। ये सभी टाइपिंग टेस्ट जो होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, आपकी स्क्रीन पर सभी कंटेंट डिस्प्ले होगा। उसके साथ ही जो सेकंड चरण होगा स्टेज टू का पार्ट बी में स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 400 वर्ड का लिखना होगा स्टेनोग्राफी के रूप में और 5 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। और डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करने के लिए 30 मिनट का समय होगा। 500 वर्ड हिंदी में डिक्टेट करने होंगे आपको स्टेनोग्राफी के रूप में। यहाँ 100 वर्ड की आपको स्पीड लेनी होगी, 5 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट में यहाँ पर कंप्यूटर पर आपको डिक्टेटेड मैटर को ट्रांसक्राइब करना होगा। स्टेनोग्राफी के इन पदों के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ स्टेनोग्राफी हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि एक ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए एडवर्टाइजमेंट को आपको ज़रूर पढ़ना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर, यहाँ exam.nta.ac.in AHCRE का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे स्टेनोग्राफी के पदों के लिए यहाँ लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर स्टेनोग्राफी Grade 3 पोस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट न्यू रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें पढ़ लेना है। फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है।
आपको यहाँ पढ़ लेना है। अगर आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ जो फीस होगी आप देखेंगे अनरिजर्व ओबीसी के लिए 1900 रुपये होगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1700, एससी एसटी के लिए 1500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ ये अगर दोनों पदों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ अन्य जो डिटेल जानकारी है उसे आपको पढ़ लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिलजी की दी गई हैं। दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़कर दिए गए कैप्चा पर क्लिक कर देना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शंस आपको सूट करता है उस पर टिक कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पैन नंबर मांग रहा है, आधार कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर आपसे मांगेगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आईडी, आइडेंटिटी टाइप, पैन कार्ड, उसका नंबर, आधार कार्ड यहाँ दे सकते हैं यस नो में आंसर करके उसका नंबर दे देना है। और यहाँ आई एम विलफुली आपको ये टिक बॉक्स टिक कर देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना है, परमानेंट एड्रेस, और अगर जो प्रेजेंट एड्रेस वो एक जैसे हैं तो इस वाले चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है जिससे आपके दोनों जगह एक जैसे एड्रेस यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल करेक्टर का इस्तेमाल कर लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कई सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो ये आंसर आपको यहाँ पर देना होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, तो आपका बर्थ सिटी यहाँ पर आ जाएगा। दिए गए कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन को जब लॉगिन पर जाएंगे वहाँ डिटेल जानकारी आपको भर लेनी है कुछ इस तरह के पेज में। यहाँ आप देखेंगे लॉगिन वाला पेज आपके सामने इस तरह का होगा। एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड जो आपने बनाया, सिक्योरिटी कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद में आपको आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपने डिटेल्ड पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन के दौरान। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा और पर्टिकुलर चेक लिस्ट यहाँ दी गई है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, इन्हें चेक कर लेना है। आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसलिए आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी को यहाँ दे देना है, उसे कैप्चा को डालकर यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा, ओके को दबा देना है। इसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका यहाँ ग्रीन दिखाई देगा। अभी जो पेंडिंग है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फीस पेमेंट आपकी रहती है, तो यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो दिखाई देंगी, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर वन बाई वन स्टेप वाइज भरते हुए चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ दिखाई देगा, परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल जो आपने अब तक प्रोवाइड कराई है वो यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर आपको यस नो में सेलेक्ट कर लेना है और उससे संबंधित जानकारी डिटेल में देनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल में जानकारी यहाँ देनी है, इसके लिए आपने एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का पास किया हुआ है तो पास सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा एग्ज़ाम, कोर्स का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर लिख देना है और उसका नाम दे देना है, इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है, रोल नंबर जो आपका रहा है ग्रेजुएशन में और कितनी परसेंटेज आई है वो यहाँ पर दे देना है, टोटल मार्क्स यहाँ और कितने मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में ऑब्टेन हुए और उसकी परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह ट्वेल्थ की डिटेल यहाँ देनी है, टेंथ की डिटेल यहाँ देनी है और यहाँ आप देखेंगे आई एग्री पर आपको
टिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपके सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की डिटेल मांगी जा रही है कि आपने कभी कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा, एग्री पर क्लिक कर देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित। तो आपको फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है जो कि 10 से 200 KB तक का होना चाहिए और कैप्चर फिगर नेक्स्ट स्टेप में आपका फोटो यहाँ पर रीसेंट फोटो, जब आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको फोटो कैप्चर कराना होगा। सिग्नेचर अपलोड करा देने हैं और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करा देने होंगे। इस तरह से यहाँ अपलोड कराने के बाद सारी डिटेल्स आप यहाँ एक बार आपके सामने डिस्प्ले होगी, उसे चेक कर लेना है। फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये सही होने चाहिए और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपसे वेरीफाई कराया जाएगा। मोबाइल नंबर दे देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ दे देना है। कैप्चा को डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, उसे चेक कर लेना है। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स ये चेक कर लेना है और अगर ये सही हैं, ओके हैं, तो आई एग्री पर क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने ऐसा मैसेज पॉपअप होगा, ओके को दबा देना है। यहाँ आपके सामने अब फीस पेमेंट से रिलेटेड पेज ओपन होगा। SBI यहाँ पर फीस पेमेंट का गेटवे है। यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। SBI नेट बैंकिंग से 5.90 रुपये अतिरिक्त चार्जेज आपको देने होंगे। डेबिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं लगेंगे। UPI से भी कोई चार्ज नहीं लगेंगे। नेट बैंकिंग से 5.90 रुपये लगेंगे किसी भी बैंक की हो, और क्रेडिट कार्ड से 12.98 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं, UPI और डेबिट कार्ड का। वैसे आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर ID दिखाई देगी, जितनी फीस आपको पेमेंट करनी है वो दिखाई देगी, किस डेट में पेमेंट की है, और यहाँ पर सक्सेस फीस पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इस तरह से दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत स्टेनोग्राफर Grade 3 के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि को आपको ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना है और 25 अक्टूबर 2024 तक एप्लीकेशन फीस को हर हाल में सबमिट करा देना है। तो अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट जरूर करा दें। अगर आप भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नए लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।